नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार जो है वो बहुत नजदीक आ गया है। दिवाली की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है और वो कंफ्यूजन है दिवाली को लेकर के कि दिवाली किस दिन है, किस तारीख को है, 31 तारीख को है, 1 तारीख को है, ये एक कंफ्यूजन है। और भी अलग अलग कंफ्यूजन है कि दिवाली की पूजा किस दिन होनी चाहिए, अयोध्या में किस दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल हैं और इससे जुड़े और भी सवाल हैं जिनको जवाब देने के लिए हमारे साथ आज दो बहुत ही बेहतरीन गेस्ट जुड़ चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले हैं हमारे प्रोफेसर ज्योतिष विभाग के BHU के विनय पांडे जी और काशी विद्युत परिषद के संगठन मंत्री हैं वो। और उसके अलावा आचार्य पवन पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पंचांग से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा पवन जी आपसे रहेगा कि आप हमें बताइए 31 और 1 का क्या चक्कर है, दिवाली किस दिन है असल में, और ये 31 और 1 को लेकर के जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, सबसे पहले तो आप ये दूर कीजिए कि दिवाली 1 तारीख को है या 31 तारीख को है। तो नमस्कार साक्षी जी, सभी आपके लोकमत जो हिंदी के दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। और जिस प्रकार आप बता रहे हैं संशय चल रहा है, बिल्कुल समाज में संशय चल रहा है और इसमें कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ये शास्त्रों में भी कहा गया है, अप्रत्यक्षाणी शास्त्राणी विवादेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जहां पर सूर्य और चंद्र खुद गवाह हैं उस शास्त्र में तो इस तरह के विवाद आने नहीं चाहिए। यहाँ पर संशय कुछ ज्ञान की असमझ की वजह से हुई है इनके डिटेल में, लेकिन इस समय समाज में संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से यह है कि 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होना चाहिए और जो इसमें हमारे स्थिर लग्न है वृष लग्न, वो भी हमें 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है, जिसमें आपका लक्ष्मी संरक्षित जिसमें पूजन होता है वो भी 31 अक्टूबर को है, शास्त्र के आधार पर बता रहा हूँ। मैं अब विनय जी के पास जाना चाहूंगी। सर, आप हमें बताइए कि ये 31 और 1 तारीख का जो कंफ्यूजन है ये लोगों के मन में क्यों भ्रम पैदा कर रहा है। 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए, 1 नवंबर को, आप प्रोफेसर पंडित जी ने तो कह दिया, आचार्य जी जो हमारे थे उन्होंने तो हमें बता दिया कि 31 तारीख का जो है मुहूर्त वो सही है, 31 अक्टूबर को दिवाली है, जो लक्ष्मी पूजा है उसका समय भी उस दिन है, लेकिन ये 1 तारीख को लेकर के ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है लोगों के दिमाग में। धन्यवाद साक्षी जी। देखिए, जिस तरह से आप इस चैनल की साक्षी हैं और आप बताएंगे सबको कि वास्तविक में दीपावली किस दिन होनी है, वैसे ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी 2 साक्षी हैं, जैसा कि अभी पवन जी ने कहा, सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं हमारे जितने भी काल हैं, महत्वपूर्ण काल, उन सबके निर्धारक होते हैं। और रही बात, थोड़ा सा मैं कटु बोलता हूँ इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये जो कारण है, जब सबसे पहले पूछा ना क्यों ऐसा, तो अनधिकृत लोगों का पंचांग निर्माण और ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश करना सबसे बड़ा कारण है। जो कोई कथावाचक है, भागवत मर्मज्ञ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो अपने विषय के बहुत बड़े योग्य हो सकते हैं, वो भी ज्योतिष का निर्णय देकर के फलादेश कर रहे हैं। बहुत बड़े कर्मकांडी गुरु जी हैं, वो कर्मकांड का बड़ा ज्ञान है, उच्च स्तरीय वो कर्मकांडी हैं, यज्ञ संपादन कराते हैं, पूरा वेदों का भाष्य तैयार है, वो भी उपदेश दे रहे हैं। किसी मठ मंदिर के बहुत बड़े धर्माचार्य और महंत जी हैं, वो भी अपने विषय के बहुत निष्णात है, ज्योतिष नहीं आता, धर्मशास्त्र नहीं आता, वो भी उपदेश दे रहे हैं। जिनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे और इन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा और विरासत में जब पिताजी मर गए तो पंचांग वाली सारणी मिल गई और उनका पंचांग अपना बिजनेस संभाले हुए हैं, वो पंचांग प्रकाशित कर रहे हैं। ये मुख्य कारण है पंचांगों में भ्रम उत्पन्न होने के। जब अनधिकृत लोग प्रवेश करेंगे, बयानबाजी करेंगे और जो लोग शास्त्र से जुड़े नहीं है, तो ऐसा ही होगा। आप किसी भी शैक्षणिक संस्था को ले लीजिए, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो, श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय हो, जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय हो, जितने भी संस्कृत के अध्ययन अध्यापन, ये पंचांगकार, ये धर्मशास्त्र, संस्कृत के लोग कहाँ से पढ़ के निकलते हैं, किसी न किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से ही पढ़ के निकल सकते हैं। और उन सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, सब जगह 31 को दीपावली मनाई जा रही है। तो आप खुद ही सोच सकती हैं, लोग पढ़ा लिखा है, लोग खुद ही निर्णय कर सकता है कि जहां से ये सारे शास्त्र पढ़े पढ़ाए जाते हैं, जो पंचांग बनाने वाला अपने आप को पंचांगकर्ता कहता है, वो भी किसी न किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से ही पढ़ के निकला होगा। कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि आकाश से उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और वो सारे विश्वविद्यालय एक स्वर से 31 तारीख का उद्घोष कर रहे हैं। तो आखिर ये परंपरा गड़बड़ कहां से हुई, ये तो आप भी सोच सकती हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि सारा बाजारवाद है। और
जो लोग, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसी ने गलती कर दी, एक लिख दिया, पंचांग उनका छप गया है, अब एक्सेप्ट कर लेंगे अभी जबरदस्ती, तो लगेगा कि उनके फॉलोअर्स घट जाएंगे, पंचांग की बिक्री बंद हो जाएगी अगले साल से, कहेंगे अरे गुरुजी तो उल्टा पुल्टा छापते हैं, इनका पंचांग कौन खरीदेगा, तो अगले साल से पंचांग खरीदना बंद कर देंगे। तो वो जबरदस्ती अगर ना एक होते हुए भी मजबूरी है उनकी, वो मरते दम तो फांसी पे लटका देंगे ना, तभी वो कहेंगे कि नहीं एक तारीख को ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पंचांग में पहले ही छाप रखा है, व्यवसाय प्रभावित होगा। तो व्यवसायीकरण सबसे बड़ा कारण है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि दीपावली कब मनाई जानी चाहिए। हमने बताया ना कि साक्षी, साक्षी मतलब हम अपने ज्योतिष के साक्षी, आप साक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, आपका संबोधन है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो हमारे साक्षी है ज्योतिष शास्त्र के, सूर्य और चंद्रमा के अंतर से तिथियां बनती, और ये जो तिथियां हैं कभी किसी व्रत पर्वों के निर्धारण में, देखिए सामान्य तिथि जो होती है सूर्योदय से लेकर के प्रवृत्त होती है, पूरा दिन रहती है, सूर्यास्त काल में पूरी रात्रि पर्यंत रहती है, इसको हम सामान्य तिथि कहते हैं। आचार्यों ने कहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त को स्पर्श करने वाली तिथि स्नान दान में सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ व्रत पर्व जो होते हैं प्रातःकालीन तिथि से निर्धारित होते हैं, कुछ मध्यान्हकालीन तिथि से निर्धारित होते हैं, कुछ सूर्यास्तकालिक तिथि से निर्धारित होते हैं, कुछ प्रदोषकालिक तिथि से निर्धारित होते हैं, कुछ निशीथ व्यापनी से निर्धारित होते हैं। छोटे छोटे उदाहरण आपको बताएं, जैसे कि दिन में कोई भी तिथि हो, रात्र के 12 बजे अगर जन्माष्टमी मिलेगी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, तो जन्माष्टमी मनाएंगे। दिन भर में कोई भी रही हो लेकिन मध्यान्ह में 12 बजे के आसपास स्थानीय समय से जब नवमी मिलेगी चैत्र शुक्ल में, तो हम उसको रामनवमी मनाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जिस स्थान में आप निवास कर रहे हैं वहां पर प्रदोष काल में अमावस्या प्राप्त होगी तो उस दिन दीपावली मनेगी, ये शास्त्र का नियम है। तो जब कभी तिथि, कोई जरूरी नहीं है कि तिथि सूर्योदय के समय आरंभ होकर के पूरा दिन पूरी रात्रि रहे, तो कभी तिथि जो है दोपहर को शुरू होती है, कभी शाम को शुरू होती है, कभी रात को शुरू होती है, कभी किसी प्रहर में शुरू होती है, तो इस तरह से तिथियों का मान अपना घटता बढ़ता रहता है। इस साल की स्थिति देखिए, इस साल क्या है, पहले दिन पूर्ण प्रदोष काल व्यापनी है, निशीथ व्यापनी है, दूसरे दिन प्रदोषैक भाग व्यापनी है, अर्थात दूसरे दिन कहीं भी 2 घंटे 24 मिनट प्रतिपदा नहीं, अमावस्या नहीं रह रही है। तो कोई भी व्यक्ति निर्णय कर सकता है कि जब पूर्ण प्रदोष काल हमको पूर्ण दिन में मिल रहा है, धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको पहले दिन ही 31 तारीख को ही रहना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती एक वचन की दीपावली 31 तारीख को ही शास्त्र के नियमानुसार मनाना चाहिए, लोग को भी यह समझना चाहिए, लोग अपने यहाँ के पंचांगों का निर्णय देख करके, पंचांगों के तिथि मान को देख करके, वो मोबाइल से सर्च कर लेना, मोबाइल से दीपावली सर्च मत करें, मोबाइल से ये सर्च करें कि अमावस्या का मान उनके यहाँ कब से कब तक है, अगर सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट मिल रहा है तो वही दीपावली है, अगर दूसरे दिन मिल रहा है तो दूसरे दिन करिए, पहले दिन मिल रहा है तो पहले दिन करिए। पूरे देश में कहीं भी पूरा 2 घंटे 24 मिनट 1 तारीख को अमावस्या का मान नहीं मिलेगा। आपने 2 से 3 बातें हमें बताई, जिनमें से सबसे पहली बात तो आपने पंचांग को लेकर के बताई, तो पंचांग के हमारे स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ यहीं पर हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगी, और मैं आपसे भी ये सवाल है कि ये जो पंचांग डिसाइड होता है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ आचार्य हैं और या कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पंचांग गलत बताते हैं लोगों को, तो अगर जो आम जनता है जिसको ये बात अभी तक नहीं पता है कि पंचांग सही पंचांग कौन सा है या वो किस पंचांग को सही से फॉलो करे, तो आप कौन सा सजेशन देंगे कि कहाँ से वो पंचांग आम आदमी को मिल सकता है, या फिर वो अगर पंचांग के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे जाने कि सही पंचांग कौन सा है? हाँ बिल्कुल, एक देखिए सबसे पहली बात है, किसी पंचांग के विज्ञापन के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे, इसलिए किसी पंचांग का नाम हम लोगों को नहीं पता। पंचांग हाँ, किसी शैक्षणिक संस्था से अगर निकला हुआ पंचांग है वो बहुत अच्छा पंचांग है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उस पंचांग का प्रकाशन कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में अभी कार्य होना बाकी है। हम लोग समरसता की बात कर रहे हैं कि सब लोग बैठ करके और इसके बीच के जो विवाद हैं वो खत्म किए जाएं, और जो विवाद का मतलब इसको ठीक से समझा जाए, इसके जो गणितीय मान है उस गणितीय मान को कैसे हमारे शास्त्र के अनुसार लाया जाए। कौन सा पंचांग नहीं, किस मत से बना हुआ पंचांग, वो कोई भी पंचांग बन सकता है, कोई भी बना सकता है, उसको बन सकता है, किस मत से बना हुआ पंचांग सभी लोगों के लिए जन सामान्य के लिए योगी है, वो कुछ दिनों में आएगा, अभी तो किसी पंचांग का नाम बताना उचित नहीं होगा और ठीक भी नहीं होगा यहाँ पर तो। लेकिन हमें लगता है किसी शैक्षणिक संस्थाओं से जो निकले हुए पंचांग है, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो
ज्योतिष क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, जिसको जिनके पास अध्ययन है, उनसे जुड़े और उनको उनसे पूछे, वो सही निर्णय देंगे। एक बात मैं आपको और करेक्ट करना चाहूंगा कि हम 31 अक्टूबर ही, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो 1 तारीख बोल रहे हैं ना, वो भी 31 अक्टूबर को ही पूजा करेंगे लक्ष्मी पूजन, क्योंकि उनको भी पता है कि लक्ष्मी का पूजन 31 को ही लक्ष्मी का घर में चिरकाल तक संरक्षित तभी रहेगी। ये बात आप देख लीजिएगा, जो भी 1 तारीख बोल रहे हैं वो आज उनके कुछ कारण रहेंगे, लेकिन वो पूजन 31 को ही करेंगे। आप देख लीजिएगा जितने भी ये 1 नवंबर वाले मत हैं, ये भी पूजन तो 31 को ही करेंगे, खाली हम लोग ही पूजन नहीं करेंगे। जी आपने ऐसा कहा, लेकिन एक और जो चीज है, जैसे काशी का जो मंदिर है या मथुरा की जो जन्मभूमि है या जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, इन तीनों जगह जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर की है जैसा कि आपने कहा, लेकिन जो अयोध्या है वहां पे जो दिवाली जिस तरह से बातचीत हुई थी या न्यूज में भी जो चल रहा है, वहां पे 1 तारीख की दिवाली मनाई जा रही है। तो अब है क्या कि लोग जो हैं वो अयोध्या से ही दिवाली को देखते हैं, या सबको पता है कि राम जी जिस दिन वापस आए थे उस दिन के हिसाब से लोग दिवाली मनाते हैं, तो शायद से लोग इस वजह से भी 1 तारीख की तरफ जा रहे हैं। और बयान आया था, प्रोफेसर जी मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए साक्षी जी, एक तो ये भ्रम लोगों को निकाल देना चाहिए कि जिस दिन भगवान श्री राम आए थे उस दिन से दिवाली मनानी शुरू हुई, उसके पहले दिवाली नहीं थी। ये तो मिथक, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले भी लक्ष्मी पूजन होता था, उसके पहले भी दिवाली की परंपरा रही है। हाँ, चूंकि राम जी विजयादशमी को रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो जैसे होता है ना, कुछ खुशियां होती हैं तो अपने घर को थोड़ा झालर से ज्यादा सजा देते हैं, दीपक थोड़ा सा ज्यादा जला देते हैं, तो ये बात हो सकती है। अब वैसे ही इसके पहले जो लोग थे वो अयोध्या को लेकर के उदासीन थे, तो कम दिए जलाए जाते थे, और आज थोड़े से लोग सक्रिय हैं तो ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दो चीजें, लक्ष्मी पूजन और दीपोत्सव। अब उत्सव के रूप में 1 तारीख को 2 तारीख को ये घोषित कर दिया, अब 1 तारीख को मना रहे हैं, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि दीपावली 31 तारीख को नहीं है, 1 तारीख को है। वो ये कह रहे हैं कि हम अयोध्या में दीपावली मनाएंगे, दीप सजाएंगे 1 तारीख को। हो सकता है क्योंकि लक्ष्मी पूजन का जो पर्व है, जो वो आधिकारिक है, वो सरकार की तरफ से नियोजित है, वो सरकार की तरफ से नियोजित है, तो सरकार ने एक जो तिथि निर्धारित कर दी, तो अब जो भी दिन आए उस दिन वो दीपोत्सव मनाएंगे। वो प्रतीकात्मक है, वो उसको दिखाने के लिए है, ठीक है। उसके अतिरिक्त लोग अपने घरों में पूजन अयोध्या में जाकर के देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं अपने घरों में, तो 31 को ही पूजन करेंगे, और छतों पे दिवाली जो है ना 31 को एक को भी लगाएंगे अयोध्या को, चूंकि सजाना, ऐसा नहीं है कि एक को नहीं करेंगे, क्योंकि अयोध्या में उत्सव मनाना एक बड़ा काम हो गया, भगवान श्री राम की स्थापना का कार्य हुआ है, बहुत बड़ा कार्य है, तो वहां की जनता जो है वैसे भी अपने घरों को सजाएगी अति अति उत्साह के साथ। तो उसका मतलब ये नहीं कि दीपावली मनाई वहां 1 तारीख को जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है वहां। आपने नहीं लिखा है कि दीपावली 31 तारीख को जो ध्यान, वहां लिखा है दीपोत्सव। ऐसा नहीं है, जो सरकार की तरफ से जो घोषित तिथि है उत्सव की, तो उत्सव आप भी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्मी पूजन तो 31 तारीख को ही करिए। उसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो धनतेरस है या जो दीपोत्सव का, ये जो दिवाली का 5 दिन का जो त्योहार रहता है, ये शुरुआत किस दिन से होगी? आपने ये स्पष्ट कर दिया कि 31 तारीख की दिवाली है, लक्ष्मी पूजन उस दिन आप कीजिए। धनतेरस किस दिन है, छोटी दिवाली किस दिन है, और उसके बाद दिवाली का अगले दिन जो गोवर्धन पूजा रहती है वो किस दिन होगी, भाई दूज किस दिन होगी, एक बार आप हमें ये डेट का भी बता दीजिए कि किस दिन से हम अपनी धनतेरस शुरू करें। धनतेरस शुरू होगी 29 अक्टूबर से, उसमें भगवान धन्वंतरी का प्रकटोत्सव है, वो धन का कलश लेके आए थे धन्वंतरी जो औषधि रूप में, वो 29 तारीख को मनाया जाएगा। 30 तारीख को नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चौदश भी बहुत जगह मनाया जाता है, बहुत लोग हनुमान जयंती भी करते हैं उस दिन, हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, बहुत उत्तम होता है कि हनुमान जी का श्रृंगार किया जाए उस दिन। और उसके अगले दिन 31 को प्रातःकाल हनुमान जी के दर्शन देकर आप दीपावली का पर्व प्रारंभ कीजिए 31 को। उसके बाद 1 को स्नान दान की अमावस्या है, पितरों के निमित्त कोई भी कार्य है वो 1 तारीख को कर सकते हैं, और 2 तारीख को फिर हमारा अन्नकूट गोवर्धन पर्व रहेगा, और 3 तारीख को भैया दूज हमारी द्वितीया है, भैया दूज रहेगी। इस प्रकार की शास्त्रीय परंपरा के आधार पर हमने आपको बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सारा कंफ्यूजन हम लोगों का, हमारे दर्शकों का दूर करने के लिए। तो फिर मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि इनमें कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली है, और उसी दिन लक्ष्मी पूजन भी आपको करना है, उसी दिन शुभ मुहूर्त भी है शाम के समय में लक्ष्मी पूजन करने का। धनतेरस 29 से शुरू हो रही है, ग्रह नक्षत्रों को लेकर के या जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है,
एक तारीख को लेकर के, एक तारीख को कोई दिवाली नहीं है और दीपोत्सव अयोध्या में एक तारीख को मनाया जा रहा है, लेकिन जो दिवाली है वो 31 तारीख की है। इसलिए आप भी अपनी दिवाली 31 तारीख को मनाइए और धनतेरस 29 तारीख से शुरू हो रहा है, ये 5 दिन का जो त्योहार रहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत।